सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसे जवानों में से एक जवान की जीवित बचने की खबर है। लांस नायक हनुमन थप्पा के जीवित बचने की पुष्टि नॉर्थ कमांड की ओर से की गई है। हैरान करने वाला चमत्कार ये है कि 6 दिनों तक 25 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढके रहने के बावजूद जवान की सांसें थमी नहीं। हालांकि हनुमन थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए थे, जिनमें से हनुमन थप्पा के अलावा कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। बर्फ से ढकी चोटियों पर जवानों के शव ढूंढे जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 5 शव मिल पाए हैं। हादसे का शिकार हुए सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के थे। लश्कर आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की आज भी मुंबई की सेशंस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी। सरकारी वकील उज्जवल निकम हेडली से सवाल करेंगे और महेश जेठमलानी उसकी पैरवी करेंगे। 26/11 के मुंबई हमलों और आतंकी हमले में पाक सेना और ISI की भूमिका पर हेडली बड़े खुलासे कर सकता है। सोमवार को कई घंटे तक चली गवाही में हेडली ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। हेडली ने बताया कि उसे पाक आर्मी के पूर्व मेजर साजिद मीर ने दाऊद गिलानी से डेविड हेडली बनाया, मुंबई रेकी के लिए भेजा गया और हेडली ने ही मुंबई में टारगेट की जानकारी दी। हेडली ने यह भी बताया कि हाफिज सईद और ISI के अफसर लगातार उसके संपर्क में थे। हाफिज सईद पर हुए नए खुलासों के बाद अब भारत पाकिस्तान को नया डॉजियर सौंप सकता है। नई जानकारियों के आधार पर भारत 26/11 के मुंबई हमलों के गुनहगारों के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत पाकिस्तान को सौंपकर हाफिज सईद और मुंबई हमलों के बाकी गुनहगारों पर कार्रवाई का दबाव बना सकता है। इंटरनेट पर कीमतों को लेकर इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों की मनमानी अब और नहीं चल पाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दे दी है। ट्राई ने फेसबुक की मुहिम को भी खारिज कर दिया है। एयरलाइंस का स्टाफ अब इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर है। आए दिन फ्लाइट्स के जरिए सोने की तस्करी की वारदातें सामने आने के बाद एजेंसियों का मानना है कि ऐसी तस्करी एयरलाइंस स्टाफ की मदद के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि ऐसे कर्मचारियों का इस्तेमाल आतंकी भी कर सकते हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से PM आवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। माना जा रहा है कि दोनों के बीच ISIS के देश में बढ़ते खतरे पर बातचीत हुई, तो वहीं कई मुद्दों पर अल्पसंख्यकों की चिंताओं से भी शाही इमाम ने PM को वाकिफ कराया। UP के मथुरा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए BJP अध्यक्ष अमित शाह ने आध्यात्म को भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जोड़ दिया। अमित शाह ने अपने भाषण में योग और आध्यात्म का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार देश का भौतिक विकास करेगी पर इसके साथ साथ भारत का आध्यात्मिक संदेश दुनिया भर में फैलाने का काम भी करेगी। प्रधानमंत्री आवास पर बीती शाम NDA के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में शिवसेना, अकाली दल समेत कई घटक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र को लेकर तैयारी की गई। अहम बिलों और बजट सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। BJP के तमाम प्रवक्ता अब नियमित रूप से केंद्र सरकार के सीनियर मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और मंत्री उन्हें अपने महकमों के कामों की जानकारी देंगे। इसी प्रक्रिया के तहत BJP प्रवक्ताओं ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और HRD मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। पार्टी के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के अलावा उन 5 राज्यों के प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। कश्मीर में आज अलगाववादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। अलगाववादियों ने ये बंद अफजल गुरु की मौत पर बुलाया है। अफजल गुरु की फांसी को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। आतंकी अफजल गुरु को संसद हमले के आरोप में फांसी दी गई थी। राहुल गांधी मिशन केरल पर हैं। 2 दिन तक राहुल गांधी केरल में ही रहेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और NSUI की कई बैठकों में हिस्सा लेने के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल के दौरे का मकसद चुनावी रणनीति तैयार करना है। राहुल गांधी केरल विधानसभा की लड़ाई में दलित कार्ड खेलने वाले हैं और रोहित वेमुला की मौत पर सियासी माइलेज लेने का मौका नहीं चूकना चाहते। इसका सबूत यह है कि राहुल गांधी आज त्रिवेंद्रम में जिस जगह कार्यकारिणी की बैठक लेंगे उस बैठक स्थल का नाम ही रोहित वेमुला नगर रख दिया गया है। कोलकाता में आज BJP और RSS के बड़े नेताओं के बीच अहम बैठक होगी। संघ की ओर से बैठक में भैया जी जोशी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद में राजनाथ सिंह गौ हत्या पर भाषण देंगे। राजनाथ सिंह गौ हत्या पर होने वाले सेमिनार में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुँच रहे हैं।
बोधगया के झिघटिया गांव में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी, उसी वक्त रविंद्र माची नाम का आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल एक ही गांव से ताल्लुक होने के कारण दोनों के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। पुलिस ने सुसाइड नोट और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट सोसाइटी के खाते से पैसे निकालने के लिए 3 लोगों के खिलाफ गुड़गांव के पालम विहार थाने में मामला दर्ज हुआ है। ये वही संस्था है जिसने ओआरओपी के लिए आंदोलन किया था। आरोपियों में पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत सोसाइटी के चेयरमैन राज कादियान ने दर्ज कराई थी। यूपी के बरेली में पुलिस के अंधे इंसाफ का मामला सामने आया है। रेप पीड़िता युवती की शिकायत पर पहले चौकी में ही आरोपी को बुलाकर पंचायत करवा दी और फिर पीड़िता के परिवार पर 50,000 रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया। फिर परिवार के ना मानने पर आरोपी को छोड़ दिया और बिना मेडिकल जांच कराए ही रेप के मामले को लेन देन का मामला बता दिया। पीड़िता 6ठी की छात्रा है और आरोपी एक रेलवे कर्मचारी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 20 थाना इलाके में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 10 में रहने वाली नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप हुआ और फिर 3 आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। बिहार के दरभंगा में बेखौफ बदमाशों के उत्पात मचाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, दीवारों को गिरा दिया और घर का सारा सामान तोड़ दिया। हालांकि घर की महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और मिर्ची पाउडर से बदमाशों पर हमला किया। तकरीबन 1 घंटे तक चले संघर्ष के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी बदमाश भागने में कामयाब हो गए। विल्लुपुरम के SVS मेडिकल कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी की 3 छात्राओं की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। 3 छात्राओं के शव कॉलेज से 170 किलोमीटर दूर एक कुएं से बरामद हुए थे। माना जा रहा था कि तीनों ने खुदकुशी की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि तीनों की मौत डूबने की वजह से नहीं हुई, बल्कि तीनों की हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कर्ज से डूबे किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान ने दुर्घटना में घायल हुए बेटे का इलाज कराने के लिए कई लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन सूखे के चलते फसल बर्बाद हो गई। खराब फसल का मुआवजा भी केवल 1,000 रुपए मिला था। माना जा रहा है कि कर्ज ना चुका पाने की चिंता ने ही किसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। MP के इंदौर में GRP ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से एक युवक को 20 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ये पिस्टल एक बैग में भरकर ग्वालियर ले जा रहा था, लेकिन शक के आधार पर GRP ने युवक की जांच की तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी। माना जा रहा है कि आरोपी हथियारों का तस्कर है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्करों के एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक टीम ने खुद खरीदार बनकर आरोपियों से संपर्क किया था, जिसके बाद हथियारों के ये स्मगलर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को आरोपियों से 2 पिस्टल बरामद हुई है, तो वहीं इनसे पूछताछ में पुलिस को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। राजस्थान के धौलपुर में BSP नेता और जिला परिषद सदस्य करवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करवेंद्र सिंह पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने BSP नेता पर IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही करवेंद्र सिंह फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने कृषि उपज मंडी के इंस्पेक्टर MS मेहरोलिया को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मेहरोलिया पर एक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि वो उसे असेसमेंट के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने व्यापारी की शिकायत के बाद जाल बिछाकर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के करोड़पति शराब कारोबारी ललित सुखानी पर शर्मनाक आरोप लगा है। कारोबारी पर उसके ड्राइवर की पत्नी ने पहले रेप करने, फिर मोबाइल क्लिप बनाकर उसे बार बार ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है। केस सूरत के कामरेज पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। सूरत पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक आरोपी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी के आगरा में सोमवार को 5 स्कूलों में बम की अफवाह के चलते हड़कंप की स्थिति बनी रही। बम की खबर मिलते ही स्कूलों में पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड बुलाकर सघन चेकिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही शहर की तमाम संवेदनशील जगहों पर सघन चेकिंग की गई। हालांकि कहीं भी कोई आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। रेलवे पुलिस के हत्थे मुजफ्फरनगर का एक वकील राजीव शर्मा चढ़ा है। ये वकील साहब खुद को IG बताकर रेलवे पुलिस को फोन किया करते थे और होटलों में मुफ्त ठहरने और ट्रेन में मुफ्त सफर का मजा लिया करते थे।
वकील राजीव शर्मा ये 420 कई महीनों से कर रहा था, लेकिन इस बार जब इसने नौचंदी एक्सप्रेस से लखनऊ मुफ्त में पहुंचने के लिए वही तरीका आजमाया तो जीआरपी के इंस्पेक्टर को शक हो गया और वकील सलाखों के पीछे पहुंच गया। यूपी के बदायूं में 15 साल की दलित लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोप लड़की के पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर है। बच्ची के परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस को दे दी, जिसके बाद हरकत में आते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अब तक फरार है। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों की माने तो घटना से पहले बीती रात महिला का उसके पति से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन शव मिलने के बाद से ही महिला का पति और ससुराल पक्ष के तमाम लोग फरार हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा के इस थाने में खूंटे से बंधी बकरी दरअसल एक मुजरिम है। इसने जुर्म भी ऐसा किया कि केवल खुद ही थाने नहीं पहुंची बल्कि अपने मालिक को भी थाने पहुंचा दिया। दरअसल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बंगले में पहुंचकर ये बकरी अक्सर फूल पत्तियां खा जाती थी। बार बार इसे खदेड़ा जाता था, लेकिन आखिरकार सीजीएम साहब के मालिक की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और बकरी को जब्त करके उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हरदोई में 15 साल के एक बच्चे का शव नहर से बरामद हुआ। 8वीं क्लास के छात्र का शव उसके स्कूल से 35 किलोमीटर दूर मिला है। शव के हाथ और पैर बंधे हुए थे, लेकिन कमर पर बंधी स्कूल बेल्ट से उसकी पहचान हो पाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में पुलिस ने एक चोर को 23 बोरी अरहर की दाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राजू है, जो दुगावा इलाके में बने अनाज के गोदाम से 23 बोरी अरहर की दाल चुरा कर भाग रहा था, लेकिन गश्त पर निकली पुलिस की टीम ने इसे धर दबोचा। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में एक मकान का लेंटर तोड़ते वक्त बड़ा हादसा हो गया। हालांकि लेंटर का एक हिस्सा गिराया जा रहा था, लेकिन पूरा लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के हाथरस में बाइक चुराकर भाग रहे एक चोर का पीछा करने के दौरान एक सिपाही की मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। दोनों के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही की मौत हो गई, जबकि चोर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों का आतंक फिर जानलेवा साबित हुआ है। पत्तियां इकट्ठी करने जंगल की तरफ गई तीन महिलाओं पर अचानक 40 हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। दो महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हस्ती मुस्कुराती इस मासूम बच्ची का नाम ज्योति पासवान है। सूरत के सिविल अस्पताल में बच्ची के माँ बाप ज्योति को इसलिए लेकर आए क्योंकि खाने के साथ ज्योति ने एक बोल्ट यानी पेच भी निगल लिया। पेच खाने की नली में फंस गया। डॉक्टर्स ने दूरबीन से पेच निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक पेच पेट में पहुंच गया था। अब बच्ची खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स शिद्दत से ज्योति का इलाज कर रहे हैं। जालंधर में एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बम मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को एक महिला ने सूचना दी थी कि तीन संदिग्ध युवक पुरानी जीटी रोड पर हैं। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो युवक मौके से भागने में कामयाब हुए, लेकिन एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बम वहीं छूट गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस विवादों में है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मऋषि गुरुवानंद स्वामी ने एक माला हवा में पैदा की थी, जिसे अमृता फडणवीस को गिफ्ट कर दिया। सीएम की पत्नी ने न केवल ये माला ली बल्कि इसे माथे लगाया और पैर छूकर स्वामी का आशीर्वाद लिया। अब अमृता फडणवीस पर जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज हाजी अली में महिलाओं की एंट्री से जुड़ी याचिका पर अहम सुनवाई होगी। हाजी अली में महिलाओं की एंट्री पर बैन के विरोध में याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा था। महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोपी समीर भुजबल को कोर्ट ने 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी के मुताबिक उसे नीलेश साहू और सत्यम नाम के भुजबल के दो सहयोगियों की तलाश है, जिनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2016 में पाकिस्तान के भारत में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान ने भारत में पाकिस्तानी टीम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पीसीबी ने पाक सरकार के सामने अपनी चिंता रख दी है। अब आखिरी फैसला पाकिस्तान सरकार को ही लेना है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे पुणे में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज टीम इंडिया के लिए मैच प्रैक्टिस भी होगी, तो वहीं ICC रैंकिंग में नंबर 1 बने रहने के लिए सीरीज जीतना जरूरी भी होगा। मैच से पहले धोनी ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। सीरीज से पहले ही श्रीलंका की टीम की परेशानियां खिलाड़ियों की चोटों से बढ़ रही हैं। तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं।
तो वहीं दिलशान भी अनफिट होने की वजह से आज के मैच में नहीं खेल पाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और श्रीलंका की भिड़ंत ढाका में होगी। श्रीलंका ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 11 फरवरी को खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 246 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों पर ढेर कर दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत के साथ ही न्यूजीलैंड टीम के विकेटकीपर कप्तान और तूफानी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपनी आखिरी वनडे पारी में मैकलम ने 27 गेंदों पर 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। मैकलम ने 96 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट और 30 से ज्यादा के औसत से वनडे करियर में कुल 6000 से ज्यादा रन बनाए।